क्या आपका प्रोफेशन ऐसा है जहां आपको रोज़ क्लाइंट्स के साथ बात करनी पड़ती है स्पेशली क्लाइंट्स जो यूके से है यूएस से है या फिर कोई और इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से है या फिर आप एक ऐसे बिजनेस ओनर हो जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स को आप अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पिच कर रहे हो बट आपको प्रॉब्लम हो रही है या तो आपको इंग्लिश उतनी अच्छी से नहीं आती है या फिर आपका जो कम्युनिकेशन है वो इतना अच्छा नहीं है आप कॉन्फिडेंस लूज करते हो द मोमेंट यू गेट ऑन अ कॉल विद दैम क्या ये प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो इफ येस देन आई एम हेयर फॉर यू मैं आपके लिए राइट सोल्यूशन लेके आई हूँ और इस वीडियो में आपको मैं दो टिप दूंगी जिससे आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन कर पाओ और प्लस आपका ये जो कॉन्वर्जेसन है या कम्युनिकेशन है वो थोड़ा सा अब स्मूद कर पाओ अपने क्लाइंट्स के साथ अब पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हर कम्युनिकेशन का एक एजेंडा या फिर ऑब्जेक्टिव क्या होता है उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आप जो सोच रहे हो या आप जो फील कर रहे हो या आपका मैसेज वो सामने वाले तक पहुंचना चाहिए और इट्स ऑल्सो द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू ही शुड ऑल्सो बी एबल टू कन्वे इट राइटली टू यू और वो आपको समझ आना चाहिए ये जरूरी है अब ये अगर दोनों तरफ का कॉन्वर्जेशन स्मूथ हो जाए तो यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं यहाँ पे ना लैंग्वेज मैटर करेगा ना ग्रामर मैटर करेगा अब क्वेश्चन अगेन वही आता है कि ये कैसे करे राइट right? इंग्लिश येस ज़रूरी है बिकॉज यू आर हैविंग कॉन्वर्जेशन विद पीपल हु आर नेटिव स्पीकर नेटिव इंग्लिश स्पीकर राइट सो आई विल गिव यू टू टिप्स हियर नंबर वन आप उनके कल्चर के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करो जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल एक 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 बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल यहाँ पे बताऊंगी मेरे बारे में सो आई स्टे इन महाराष्ट्र आई स्टे इन पुणे राइट एंड यहाँ पे अगर मैं जो एक फॉरेन लैंड से है इफ मैं थोड़े से भी मराठी में यहाँ पे बात करती हूँ विद लोकल पीपल वो क्विकली एक कनेक्ट होता है आई बिल्ड अ रैपो दैट्स कॉल्ड रैपो राइट द सेम वे अगर आप उनके फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर कनेक्टिंग विद एनी वन होज फ्राम अ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री यू कैन यूज़ इडियम्स एंड फ्रेजेस नाउ नेटिव इंग्लिश स्पीकर बहुत ज़्यादा इडियम्स एंड फ्रेजेज यूज़ करते हैं मे बी यू कैन लर्न वन और टू एंड यू कैन यूज़ दैट रिपीटेडली जब तक वो आपकी आदत ना बन जाए एंड ट्रस्ट में वो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन छोड़ेगा अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपके क्लाइंट में भी स्पेनिश है राइट right? या तो फिर ही इज फ्रेंच So up unke language you know unke language, maybe you can just learn a very simple greeting or a question. Maybe like, you know, how are you? And people will be like, oh my god, you know Spanish. So they will understand and acknowledge the effort that you're trying to put in the communication. So this is one main aspect that will build your relationships and it will also build a rapport. Because in a relationship between you know, a company and your customer or client, the most important thing is your rapport and the relationship that you're building. That will stay for a longer time and that will help you to build your business. The second tip if you're unable to understand the accent, switch to the written method. आप उनको टाइप करके मैसेज करने बोलो रादर देन आस्किंग दम टू रिपीट ओवर एंड ओवर अगेन वो बहुत बार अगर रिपीट करेंगे तो वो इरिटेट हो जाएंगे राइट right? तो आप उनको बोल सकते हो कैन यू प्लीज टाइप दैट फॉर मी और कैन यू प्लीज़ राइट दैट फॉर मी इससे आप पैनिक भी नहीं करोगे और आपका कम्युनिकेशन भी बहुत स्मूदली हो जाएगा राइट right? एंड आपका कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा सो ट्राई दिस एंड लेट मी नो हाउ दैट वर्क्स फॉर यू आई विल बी कमिंग अप विथ मोर वीडियो मैं और वीडियोज़ बनाऊँगी और मैं हमेशा कोशिश करूँगी कि आपको आपके जो प्रॉब्लम्स है मैं उसके सोल्यूशंस ला पाऊँ मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनको मैंने देखा है ये सारे स्ट्रगल्स करते हुए तो मैं इसी ये सारे पॉइंट्स ला रही हूँ एंड आई एम ट्राइंग टू गिव यू द सोल्यूशंस सो कीप फॉलोइंग मी एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल टिल दैन थैंक यू सो मच यू टेक केयर